केमिस्ट्री गुरु विष्णु अपने इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। लर्न पीरियोडिक टेबल पार्ट वन में आपको बताया गया था कि S ब्लॉक और P ब्लॉक को कैसे याद करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू लर्न D ब्लॉक एंड F ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। दोस्तों देखिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो D ब्लॉक है, D ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप्स हैं और वो ग्रुप कुछ इस तरीके से हैं, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और IUPAC ने 1984 में इस तरह के नंबर्स को सेलेक्ट किया है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम S ब्लॉक और P ब्लॉक जब याद करते हैं तो S ब्लॉक और P ब्लॉक को हमें याद करने का तरीका होता है कि हमने उनको ग्रुप वाइज याद किया है। ग्रुप वाइज का मतलब है हमने ऊपर से नीचे की तरफ उनको याद किया है, क्योंकि उसी तरीके से उनको स्टडी की जाती है। हमें ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से जिस ग्रुप की स्टडी की जाती है उस ग्रुप को उसी तरीके से लर्न करना चाहिए। तो अगर हमको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक याद करना है तो वो हमको पीरियड वाइज याद करना है। पीरियड वाइज का मतलब है लेफ्ट टू राइट उनको याद करना है। डी ब्लॉक में चार ट्रांजिशन सीरीज़ हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जिसको 3D सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि उनमें सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर करता है। इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, 21 एटॉमिक नंबर से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ 4D सीरीज़, Y से लेकर CD तक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ LA से लेकर HG तक। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और 60 सीरीज AC एक्टिनियम से लेकर CN तक। तो ये कुल मिला के चार ट्रांजिशन सीरीज हैं आपके सामने। इनको ध्यान से आप अच्छे से इस पूरी चीज़ को कहाँ से शुरू और कहाँ से ख़त्म, इस बात को आपको लर्न कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे आते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको 3D सीरीज भी कहते हैं, इसमें ये कुल मिला के 10 एलिमेंट हैं। याद करने का तरीका, चूँकि मेरा स्पेलिंग पे बेस्ड है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बनाया कैसे जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप अपनी तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको बनाया शक्ति, तो वैसे तो होता है शक्ति, लेकिन इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, थोड़ा गलत बोलते हुए शक्ति। ये हो गया हमारा VCR, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर करके पहले आते थे, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले वो चलते थे। तो एक जैसे एक शक्ति कंपनी का एक VCR है, जिसके लिए जिसको बोला हमने कि मत को बना लो मन, फेकोनी मतलब मत फेकोनी, और लास्ट में जो तो आपको दिख रहा है CU और ZN, तो इसके लिए हो गया Q जन का मतलब लोग होता है। तो शक्ति VCR मन फेकोनी Q जन, ये आपको 10 एलिमेंट आसानी से याद हो गए। अब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में हमने इसको बनाया, जैसे एक आप जानते हो कि होता है वाइपर, साफ सफाई के काम में आता है, तो वाइपर की जगह हमने बना दिया वाइजर से कोई गलती नहीं होगी, वाई हो गया जेड आर हो गया। उसके बाद जैसे एक नाम होता है, ये जो चीज़ नीचे मैं लिख रहा हूँ ये आपको कट करना है, ये भी आपको कट करना है, वाइजर नब मो और टकरू। तो इससे आपको ये 6 एलिमेंट याद हो गए, जैसे अमर अकबर एंथनी, तो वैसे ही वाइजर नबमो टकरू, रहे RH, रहे PD पैदल, आज AG आज, और कल। आज के साथ कल हमें याद रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कल का यहाँ पर मतलब CD है, तो इस चीज़ को आपको कट कर देना है। तो वाइजर नबमो टकरू रहे पैदल आजकल, जैसे अमर अकबर एंथोनी,
रहे पैदल आज तक, जैसे उनके पास कोई काम ना हो। तो एक ऐसे एक बना के आप याद कर लीजिए। थर्ड सीरीज़ में आते हैं। थर्ड सीरीज़ में जैसे एक अंडरवर्ल्ड कोई डॉन है तो वो हफ्ता मांग रहा है, तो ये हो गया ला, ये हो गया हफ्ता, हफ्ता। वरी यानी अगर हफ्ता आप देंगे तो उसके बाद डोंट वरी, तो वरी। वरी के बाद ओ सिर, दोनों को मिला के ओ सिर, तो इसको लिखा ओ सिर। पटक आऊं हम। अब हम आपको पता है कि एच जी के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि एच जी से जो हिंदी में शब्द बनता है वो थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप उसको समझ जाइए। और एक ये थोड़ा वैसी चीज़ बन जाएगी एक सिचुएशन की, ला हफ्ता, डोंट वरी, और फिर सामने वाला जिसको हफ्ता मांगा गया है वो तो कह रहा है कि ओ सिर पटक आऊं हम। तो ये कुल मिला के आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ हो गई। अब आते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अपने मन से बनाएं। ट्राई टू मेक अ स्पेलिंग और स्टोरी, और फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें। थोड़ा आप भी ट्राई करें कि इसको आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब आखिरी में हम लोग आते हैं एफ ब्लॉक में। ये लेंथ एंड हाइट एफ ब्लॉक में दो सीरीज़ होती हैं, दो सीरीज़ होती हैं इसके अंदर, टू सीरीज़। एक आपकी लेंथ एंड हाइट सीरीज़ होती है जो एले के बाद से शुरू होती है, कहीं कहीं पर एले को उसके साथ भी ले लिया जाता है, एले को उसके साथ भी ले लिया जाता है। लेंथ एंड हाइट सीरीज़ 4F सीरीज़ होती है, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में इंटर करता है। इसको भी याद करते हैं, इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। तो जैसे ये आपने लिखा, एक कोई नदी है उसका नाम है सेपर, सेपर नदी, सेपर नदी, नदी, PM, SM, पे मिले, PM से हो गया पे मिले, इनको एक साथ जोड़ के पे मिले, क्योंकि आपके इसमें जो है दो अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे तो पे मिले से PM बन जाएगा। और SM के लिए हमने लिख लिया शर्मा, कोई शर्मा जी हैं वो मिले। उसके बाद EU, यूरोपी, GD, गधे, TB, अब देखिए TB को हमने लिख दिया तब, यूरोपी गधे तब, डाई हो, डाई यानी मर गए और उसके बाद हो करने लगे, तो यूरोपी गधे तब डाई हो। और लास्ट में ER है, ER को हमने कर दिया अरे, इरे अरे, अरे TM तुम, YB ये भी, लूटोगे लूटोगे। तो तीन गाने बन गए आपके, इसमें तीन टुकड़े बन गए, सेपर नदी, पे मिले शर्मा, यूरोपी गधे तब डाई हो, अरे तुम ये भी लूटोगे। और लास्ट में आते हैं एक्टिनाइट सीरीज़ या 5F सीरीज़। इसमें जैसे आप देखिए आम की कई किस्में होती हैं, आम का सीज़न अभी अप्रैल चल रहा है तो आम का सीज़न आ रहा है और आपको अभी आम खाने को मिलेंगे। तो उसमें जैसे तोतापरी आम है, लंगड़ा आम है, दशहरी आम है, हापुस है, बहुत सारी किस्म के आम हैं। तो वैसे ही आप ये मान लीजिए कि एक नई किस्म है थपाऊ नप्पू, थपाऊ थपाऊ नप्पू। अब लंगड़ा हो सकता है, तोतापरी हो सकता है, तो थपाऊ नप्पू भी हो सकता है। और AM से हो गया आम, तो पहला इतना टुकड़ा तो हो गया थपाऊ नप्पू आम। उसके बाद इससे हो गया कम, BK से हो गया बैक, CF से हो गया कैफ, कैफ यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, गाने बजाने संगीत का काम है, ES का हो गया इस, FM का हो गया FM रेडियो, और MDNO मैडोना से आप हल्का सा ताल्लुक रखिए, क्योंकि इस आया FM आया, FM का मतलब रेडियो हो गया, FM का मतलब गाने हो गए, और मैडोना, मैडोना आप जानते हो कि
म्यूज़िक से रिलेटेड है, तो मेडनो, इसको आप इस FM मेडोना की तरह एक कोई मडनो, मडनो करके कोई है, तो इस FM मडनो, और फिर उसके बाद आया लास्ट में आप LR याद कर लीजिए, तो थपाऊ नप्पू आम कम बैक कैफ इस FM मेडनो LR। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको दो पार्ट में पूरी तरह से बता दिया कि पूरी पीरियोडिक टेबल को हम कैसे याद करें, और आप इस पर प्रैक्टिस करिए, कभी कभी इसको रिवाइज करते रहिए। हाँ, कमेंट्स बॉक्स में अगर आप कुछ और बेसिक चीज़ों में कुछ आपको दिक्कत होती है तो आप ज़रूर लिखें, उस बारे में मैं कोशिश करूँगा अपना वीडियो बनाने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।